राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने सीए के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे भाजपा के नेताओं को चाटे मारे, जिसके बाद इन दोनों अधिकारियों के व्यवहार की आलोचना शुरू हो गई है और लोग यह सवाल कर रहे हैं कि इन दोनों अधिकारियों को मारने का अधिकार किसने दिया। बीजेपी ने इन अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएए के समर्थन में जब धारा 144 का उल्लंघन करते हुए बीजेपी के लोग इकट्ठा हुए और वंदे मातरम और भारत माता की जयकार के नारे लगाए, तो कलेक्टर को इतना बुरा लगा कि उन्होंने बीजेपी के मीडिया प्रभारी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया। ब्यावरा में सीए के समर्थन में रैली निकालकर बीजेपी नेताओं और आम लोगों को कलेक्टर निधि निवेदिता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। कलेक्टर ने भारत माता की जय बोल रहे बीजेपी नेताओं को तमाचा मार दिया। उसके बाद हंगामा हो गया और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद कलेक्टर ने पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों को धक्के भी मारे। पुलिस ने लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस पर रैली निकाल रहे लोग भड़क गए और पुलिस से झूमाझटकी की। ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस मामले में कलेक्टर की गलती साफ साफ नजर आ रही है। पुलिस के काम में घुसकर कलेक्टर ने वहां माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया। कलेक्टर से कैसे चूक हो गई, ये इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। निधि निवेदिता ने जैसे ही भाजपा के मीडिया प्रभारी रवि बड़ोने को थप्पड़ मारा, तो वहां का माहौल खराब हो गया। इससे रैली में शामिल लोग नाराज हो गए और सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने लोगों को पकड़ना शुरू किया तो भगदड़ मच गई। लाठीचार्ज में दो कार्यकर्ता घायल हो गए। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने भी एक कार्यकर्ता को पकड़कर दो थप्पड़ जड़ दिए। ऐसे में एक युवक ने डिप्टी कलेक्टर के बाल खींच दिए। इन दोनों महिला अधिकारियों के व्यवहार ने स्थितियों को बिगाड़ दिया। पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में 12 नामजद सहित 124 पर धारा 188 का प्रकरण दर्ज कर दिया। वहीं डिप्टी कलेक्टर से अभद्रता करने के मामले में दो अज्ञात युवकों पर छेड़छाड़ और शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया है। इस सब के बाद ये अधिकारी और कमलनाथ सरकार बीजेपी के निशाने पर है। मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर आज ब्यावरा राजगढ़ में वहाँ के जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने, विशेषकर महिला कलेक्टर ने, जिस तरह से सीएए के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज किया, बाल पकड़ पकड़ के कार्यकर्ताओं के लिए घसीटा, महिलाओं को घसीटा, अपने आप में अभूतपूर्व उदाहरण मध्य प्रदेश में है। मैं अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह सरकार की इस तरह की भक्ति करना छोड़ दें, अन्यथा आने वाले वक्त में जब भी बदलाव होगा वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस प्रकार की सरकार की भक्ति करना किसी भी नियम और कानून में नहीं लिखा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये वक्त एक जैसा सभी का नहीं रहता है, पता नहीं किस दिन बाजी पलट जाए, और इस कारण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिकारी इस बात को समझें। मैं समझ रहा हूँ कि ऊपर से जब उनको घुटना टेक करने के लिए कहा जाता है तो वो रेंगने लगते हैं। इस प्रकार के रीढ़ विहीन अधिकारी, मैं कहना चाहता हूँ फिर से कि किसी पार्टी के न समर्थक होते हैं और न किसी के मददगार हो सकते हैं। कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से वह अपने अधिकारियों को दमन की कार्रवाई करने से रोके। राजगढ़ में शांति मार्च निकलना था इस कानून के समर्थन में, उनको उन्होंने अनुमति नहीं दी, और जब लोगों ने तिरंगा हाथ में लेकर माता वैष्णो देवी मंदिर के कैंपस में एकत्रित होकर और भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाना शुरू किए, तो वहां की कलेक्टर निधि निवेदिता को इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारा। आखिरकार प्रदेश और देश जानना चाहता है कि भारत माता की जय बोलना कब से गुनाह हो गया। क्या वजह है कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने पे आप थप्पड़ मारती हैं? देश जानना चाहता है, प्रदेश जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा प्रशिक्षण देश के किस विश्वविद्यालय में मिलता है जहां भारत माता की जय बोलना गुनाह है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह प्रशिक्षण कहीं वहीं का तो नहीं है। और उसके साथ साथ
इनकी डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा वो कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारती है। बीजेपी ने कहा कि सीए के समर्थन में निकाली जाने वाली रैली पूर्व नियोजित थी, इसे रोकने के लिए कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लगाकर ब्यावरा की सीमाएं सील कर दी थी। बाजार बंद थे, वैष्णो देवी मंदिर से रैली की शुरुआत के लिए सुंदरकांड चल रहा था, तभी कलेक्टर और एसपी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। लोग बाहर निकले तो कलेक्टर निधि निवेदिता ने गेट बंद करना चाहा। पूर्व विधायक अमर सिंह यादव को कलेक्टर ने पकड़ लिया, लेकिन वे छूट कर आगे बढ़ गए। पूर्व मुख्य सचिव के शर्मा ने कहा कि कलेक्टर का इस तरह का रवैया ठीक नहीं है, भीड़ को कंट्रोल करने का यह तरीका गलत है, वरिष्ठ अधिकारियों को भी ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।